बच्चों के जन्म को लेकर उत्तराखंड में अच्छी खबर है। वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। प्रदेश सरकार तमाम दावे कर रही है, उसके बावजूद महिला अपराधों के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाए जा रहे वन स्टॉप सेंटर्स के आंकड़ों से ये बात साफ होती है। उधम सिंह नगर जिले में पिछले साल के मुकाबले इस साल महिला अपराध में इजाफा हुआ है। वन स्टॉप सेंटर में अब तक पिछले 3 महीने में 83 मामले पंजीकृत हुए हैं, जिसमें से घरेलू हिंसा के मामले सबसे अधिक पाए गए हैं और इनमें से 38 मामलों का काउंसलिंग के माध्यम से निस्तारण भी कर लिया गया है। सरकार द्वारा महिला की सुरक्षा को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, उनकी पोल खुलकर सामने आई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल देखा जाए तो महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कई समस्याएं हुई हैं, इनमें मुकाबले काफी कुछ इजाफा देखने को भी मिल रहा है। जो उधम सिंह नगर में जो वन स्टॉप सेंटर शुरू हुआ था 28 दिसंबर 2017 से स्टार्ट ही हुआ है, और तब से हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो पंजीकृत केस हैं उसमें सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा के हैं, जो 195 केस आज की डेट तक हम लोग दर्ज कर चुके हैं। और उसके बाद में अगर हम देखें तो जो बच्चों के साथ जो 18 साल तक के बच्चे हैं उनके साथ में सबसे ज़्यादा बाल यौन हिंसा हो रही है, और इसके अलावा जो लड़कियाँ हैं उनके साथ में यौन हिंसा बहुत ज़्यादा है। और आज 28 जून तक इस वित्तीय वर्ष में 19-20 में हम लोगों के पास 83 केस पंजीकृत हैं और 54 केस हम लोगों ने निस्तारित अभी तक की डेट में।